सो हेलो यूट्यूब फैमिली, आई एम योर होस्ट यश एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई मूवी रेवल मून पार्ट सेकंड का, जो कि एक एक्शन साइंस फिक्शन की कैटेगरी में आने वाली मूवी है जिसकी लेंथ 2 आवर की है। मूवी हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेज में अवेलेबल है, जिसे मैंने अभी हिंदी में देखकर खत्म किया। तो कैसी है ये मूवी और क्या ये आपका कीमती समय डिजर्व करती भी है या नहीं, तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मैं दूंगा आगे इस वीडियो में। और हाँ, इस 2 मिनट की वीडियो को एंड तक देखना, शायद इस 2 मिनट की वीडियो से आपके 2 घंटे बर्बाद होने से बच जाएं। तो बात करें स्टोरी की, तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट फर्स्ट में ख़त्म हुई थी। अब कोरा ने कुछ वॉरियर ढूंढकर अपनी वॉरियर्स की एक फोर्स तैयार कर ली है, जो अब रेडी है ईवल मदर वर्ल्ड का सामना करने के लिए और मदर वर्ल्ड से अपने प्लेनेट की रक्षा करने के लिए। तो क्या कोरा और उसके साथी मिलकर मदर वर्ल्ड का सामना कर भी पाते हैं या नहीं, और क्या ये अपने प्लेनेट को बचाने में कामयाब हो पाएंगे? तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा आपको इस मूवी में, जिसका नाम है रेवल मून पार्ट सेकंड। तो बात करूं मैं अपनी ओपिनियन की, तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो अब सबसे पहले आपके मन में उठ रहे सवाल का जवाब दे देता हूं कि क्या इस मूवी को देखने के लिए इसके पार्ट फर्स्ट को देखना मैंडेटरी है? तो मैं कहूँगा हाँ, इस मूवी को देखने के लिए इसके पार्ट फर्स्ट को देखना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, तो पहले इसका पार्ट फर्स्ट देखिए, बाद में इस मूवी को देखिए। अब मूवी की स्टोरी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां कुछ नए करेक्टर्स की पास्ट स्टोरीज देखने को भी मिलती हैं। और पार्ट फर्स्ट की ही तरह इस मूवी के भी करेक्टर्स के डेवलपमेंट काफ़ी वीक है, जिसके कारण हम उन करेक्टर्स से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको एक्शन देखना पसंद है, तो मूवी का आधा घंटा छोड़कर बाकी पूरी मूवी में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा, जिसे देखकर आप डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे। अब इसकी स्टोरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसकी स्टोरी से ज़्यादा उम्मीद ना लगाना, आप इसे एक्शन के लिए ज़रूर देख सकते हैं। बाकी करेक्टर्स की परफॉर्मेंस एक एवरेज साइट की है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी और VFX भी डिसेंट है। अब बात करें इस मूवी की क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 6.3/10 की रेटिंग दी है। तो अगर आप रेवल मून को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप जैक स्नाइडर के फैन हैं, या आपको एक्शन देखना पसंद है, तो फिर आप इस मूवी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉय।